विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने भारत सरकार को अपना सुझाव देते हुए कहा कि कोई भी अगर भारत माता को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसे फांसी सार्वजनिक रूप से देनी चाहिए, ताकि आगे भी कोई आतंकवादी जिहादी भारत माता को तोड़ने का प्रयास ना कर सके। अब वो सरकार नहीं है जो आर्मी के हाथ बांधकर जम्मू कश्मीर में भेजती थी। इस सरकार में सैनिक से लेकर अधिकारी तक के हाथ खुले हुए हैं, सबको अधिकार दिए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर रहना है तो भारत माता को प्यार करना होगा, इस देश को प्यार करना होगा। वही सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्क द्वारा PFI के समर्थन में दिए गए बयान पर डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने कहा कि ऐसे समर्थकों की सजा भी वही होनी चाहिए जो आतंकवादियों के लिए होती है। अगर सपा सांसद PFI के समर्थन में खड़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्क को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, और जो भी व्यक्ति PFI जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है और देश के खिलाफ बात करता है उसे भी वही सजा होनी चाहिए जो एक आतंकवादी की होती है। डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये विश्व हिंदू परिषद पिछले लगभग 5 साल से भारत सरकार से सतत मांग करता रहा है, इस देश के अंदर देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त PFI, उसके समर्थक संगठन, उनको बैन किया जाए। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, विश्व हिंदू परिषद जो महसूस करती है कि भारत सरकार ने वंदनीय, स्वागत योग्य ऐसा कदम उठाया जिसमें एक झटके के अंदर ही पूरे देश को एक मैसेज चला गया कि इस भारत की धरती के ऊपर कोई जिहादी, कोई आतंकवादी भारत माँ को तोड़ने का प्रयास करेगा वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा स्पष्ट कहना है, ये संगठन 5 साल के बैन करे गए हैं, अभी तो इतनी पूरे देश के अंदर एक मास गिरफ्तारी हुई है, इन सबके ऊपर केस न्यायपालिका में जाएंगे, इन सबको फांसी की सजा होगी, देशद्रोह के मुकदमे लगेंगे। और मेरा एक सुझाव ये रहेगा भारत सरकार को, यदि अगर मेरी बात, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, कोई भी भारत माता को तोड़ने का प्रयास करता है तो मेरा स्पष्ट मत है कि उसको फांसी सार्वजनिक रूप से दी जाए, ताकि आगे कोई भी आतंकवादी जिहादी भारत माता को तोड़ने का प्रयास ना कर सके। उसे पता हो कि यदि अगर इस भारत की धरती के ऊपर वो सरकार नहीं है, आर्मी को हाथ बांध के कह दिया जाओ कश्मीर में काम करो, अब वो है उनको खुला निर्णय लेने करने का अधिकार है, वहां पे एक सैनिक से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक को खुला अधिकार है, कोई सरकार का प्रतिबंध नहीं है। जो देश में के हित में काम होंगे वो तत्काल सुरक्षा बल उनके ऊपर निर्णय करेंगे और वो काम करेंगे। अब वो सरकार नहीं रही कि अपना जो कर दिया वो हो गया, अब हिंदुस्तान की धरती के ऊपर यदि अगर रहना होगा, भारत माता को प्रेम करना होगा, भारत माता को, इस देश को प्यार करना होगा, इस देश की गद्दारी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अब वो सरकार नहीं है, मैं अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक झटके के अंदर सारा नेटवर्क नेस्तनाबूद कर दिया। जी संविधान लागू है, फिर तालिबान तो है नहीं, ऐसा कैसे देश लागू हो सकता है? मैंने अपने व्यक्तिगत बात कही है, ये कि मैं व्यक्तिगत रूप से, ताकि जब आप सजा देते हो फांसी को, बंद कम लिया दे तो जाकर कोई देखे नहीं, तो ऐसे आतंकवादी पनपते रहते हैं, इस देश द्रोह इस देश में पैदा होते रहते हैं, यदि इनको सार्वजनिक फांसी दे दी जाएगी तो समाज के और लोग भी देखेंगे और उनके माँ बाप भी देखेंगे, हमेशा अपने बच्चे को आतंकवादी गतिविधियों में जाने से रोकेंगे, एक समाज का मैसेज जाएगा ये। मैं संविधान का सम्मान सब करते हैं, हम भी संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान की बात मानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत राय देने का अधिकार सबको है, वो मैंने अपनी व्यक्तिगत राय दी है। देश के बहुत सारे संगठन, उन्होंने
अरे अब मांग तो कुछ भी कर लो, मांग तो ये कर लो साहब मोदी जी को जेल में भेज देना चाहिए, लोग कर रहे हैं बतेरी मांग, अमित शाह जी की नहीं कर रहे हैं कि अमित शाह जो है वो है तो ऐसा सबकी मांगे मानने लगे। अरे आरएसएस जैसा तो राष्ट्रवादी संगठन विश्व के किसी देश में नहीं है। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं तो ये कहूंगा जो इनके समर्थक जो इनके पक्ष में बोलने वाले लोग उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी वही सजा होनी चाहिए जो सजा इन आतंकवादियों की होती है। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, यदि अगर ऐसा बयान देंगे तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए तत्काल। में उत्तर प्रदेश सरकार से भारत सरकार से मांग करूंगा कि अगर ऐसा बयान देंगे तो कोई भी हो जो देश के खिलाफ बात करेगा उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको वही सजा होनी चाहिए जो एक आतंकवादी की सजा होती है।